जय हिंद जय भारत। स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन आर्मी ऑफिसर की पेमेंट के बारे में और उनकी प्रमोशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं, चाहे वो SSC कमीशन लेके चाहे NDA की तरफ से, तो उनको पेमेंट और प्रमोशन के बारे में पता नहीं है। इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आर्मी ऑफिसर की पेमेंट और उसकी प्रमोशन के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना देरी ये वीडियो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे अगले हफ्ते के लिए आने वाले नए नए बढ़िया बढ़िया टॉपिक। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी नीचे लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देख सकते हो प्रमोशन कैटेगरी ऑफ द सैलरी स्ट्रक्चर। प्रमोशन कैटेगरी किसका है यहाँ पे बता दें आपको कि जो भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर आता है, लेफ्टिनेंट से पहले 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद वो लेफ्टिनेंट बनता है, ऑन कमीशन वो आता है, ठीक है। तो उसके बाद कैप्टन के लिए, वो कैप्टन जब बनता है तो 2 साल के अंडर वो कैप्टन रहता है। कैप्टन के बाद वो मेजर में आने के लिए उसको 6 साल रहना पड़ता है मेजर रैंक में। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल जब 6 से 13 साल में, यानी कि 7 साल के गैप में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाता है। 13 साल के होते ही उनको अगले वो प्रमोशन उनको कर्नल TS दिया जाता है और जहाँ फिर उनको कर्नल बनाया जाता है 26 ईयर तक, ठीक है। यानी कि 26 साल में तक आप कर्नल TS बन जाओगे। उसके बाद यहाँ पे ऑन सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट ऑफ द फुल मेंटेन द रिक्वायर्ड। यहाँ पे बता दूँ कि उसके बाद जो एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, अगर उनमें आपने अच्छा किया है, अगर उसमें आपने अच्छे रैंक लेके आए, तो वहाँ पे आपको फिर अगले रैंक आपकी एजुकेशन के ऊपर फिर मिलते हैं। यहाँ पे ब्रिगेडियर बनते हो, ब्रिगेडियर के बाद अगर आपने और अच्छा किया तो मेजर जनरल बनते हो, मेजर जनरल के बाद आपने लेफ्टिनेंट जनरल बनते हो। हैक स्केल होता है यहाँ पे, हैक स्केल प्लस एडमिशनल फॉर 1-3 इन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल होता है। यहाँ पे 3 में से 1 लेफ्टिनेंट जनरल मतलब जनरल होता है। यहाँ पे बता दें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं और उसके बाद आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NFSG बनते हैं और उनके ऊपर एक होता है जो लास्ट में होता है, वो होता है CSO, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक ही होता है यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे, एक बार फिर बता दूँ, पहले जब भर्ती होते तो लेफ्टिनेंट बनते, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल TS बनते हैं। जो प्रमोशन जिनका आगे नहीं होता कर्नल TS बन जाते हैं, उसके बाद कर्नल बनते हैं, कर्नल अगर उसके बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर के जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, हैक स्केल के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर 3 में से 1 लेफ्टिनेंट जनरल स्ट्रेंथ के ऊपर से बनते हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं, आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NFSG, और अंत में एक बनते हैं वो CSO, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया का एक ही होता है। उसके बाद यहाँ पे दिखाएंगे आपको पे स्केल। दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक किसी चैनल वाले ने नहीं दी होगी। अगर आप भी इंडियन आर्मी में आना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो अगला बता दें कि जो लेफ्टिनेंट होता है उसकी पेमेंट लेवल 10 की होती है, जो 56,000 से 1,70,000 तक होती है। तो यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि कैप्टन, एक कैप्टन की जो लेवल 10 में होता है बी में, 61,300 से लेके 1,93,900 पेमेंट होती है। अगर आप मेजर बनते हो तो लेवल में आता है 11 में, इनकी पेमेंट 69,69,400 से लेके 2,07,200 होती है। यहाँ पे अगर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो तो 12A में आता है, जो 1,21,200 से लेके 2,12,400 पेमेंट होती है। कर्नल की, एक कर्नल की जो लेवल 13 में आता है उसकी 1,30,600 पेमेंट होती है। जो उसके बाद यहाँ पे ब्रिगेडियर बनता है, ब्रिगेडियर में यहाँ पे लेवल 13A में 1,39,002 से लेके 2,17,000 पेमेंट होती है। अगर आप मेजर जनरल बनते हो तो लेवल 14 में आते हो, जो 1,44,200 से यहाँ पे पेमेंट आपका होता है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल हैक स्केल के जो लेवल 15 में आता है, जो 1,82,200 से लेके 2,24,100 उनकी पेमेंट रहती है। लेफ्टिनेंट जनरल हैक प्लस स्केल का जो लेवल 16 रहता है, इसकी 2,05,400 से लेके 2,24,400 पेमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे बता दें कि जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल, इनकी जो लेवल 17 में आते, इनकी जो अप्रॉक्सीमेट फिक्स पेमेंट है 2,25,000, ये बिल्कुल फिक्स इनकी पेमेंट रहती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई पेमेंट का ज़्यादा फर्क नहीं रहता, ये लेवल 18 में आते हैं, इनका 25,000 का फर्क रहता है, जो इनकी पेमेंट 2,25,000 है, ठीक है।
मिलिट्री सर्विस भी जो है उनकी, ये बता दें, हर ऑफिसर रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर एक ही रहती है, 15,500। और भी बहुत सारी इनकी पेमेंट की रहती है, लेकिन हम अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये किसी के पास ये वीडियो पहुंच सकती है और उसे ये फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।